हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गार्डनिंग एट होम चैनल पर। आज हम बात करेंगे केन्ना लिली प्लांट की। इस प्लांट को कई नामों से जाना जाता है, केली भी बोलते हैं इस प्लांट को और देवकेल के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसके फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसकी देखभाल हम कैसे करें, इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। इन सभी बातों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं जब इस प्लांट को लाई थी तो यह इतना सा था और अब बहुत बड़ा होगा। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। इसका वीडियो तो नहीं निकाला था मैंने, इसकी फ़ोटो ही है ये देखिए। और उसमें अभी ग्रोथ अच्छे से बढ़ती जा रही है और ये नया पत्ता आ गया है। इस तरीके से इसमें एक एक पत्ते निकलते जाते हैं और इसकी ग्रोथ होती जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 6-7 पत्ते के बाद एक छोटा सा पत्ता आता है और उसके बाद एक स्टोक आती है, उसमें फ्लावर आता है। तो इस तरीके से इसमें फ्लावर आता है। ये देखिए, यहाँ पर ये आपको ये छोटा पत्ता दिख रहा है, इस तरीके से इसमें एक छोटा पत्ता निकलता है और बीच में इस तरीके से इसमें स्टोक आती है, ये देखिए। और इसमें एक स्टॉक में यहाँ पर मेरे यहाँ पर 3 फ्लावर निकलने वाले हैं। इस तरीके से इसमें फ्लावर आते हैं और इसके फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं दिखने में। और यहाँ पर ये मेरे पास जो प्लांट है इसमें येलो कलर के फ्लावर आएंगे, येलो और ऑरेंज के शेड में रहेंगे वो फ्लावर। और इसके फ्लावर 2 कलर में आते हैं, एक तो येलो कलर में और एक रेड कलर में आते हैं। मेरे पास ये दोनों प्लांट हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि रेड कलर के फ्लावर कैसे, उसका प्लांट कैसे रहता है। अगर आपको पता है कि इसके और भी कलर में फ्लावर आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए कि और कौन कौन से कलर में इसके फ्लावर आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि रेड कलर के फ्लावर का प्लांट और येलो कलर के फ्लावर के प्लांट में क्या डिफरेंस होता है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये जो प्लांट है ये रेड कलर का है और उसमें नीचे जो दिख रहा है आपको ये रेड, इसमें रेड कलर के फ्लावर आएंगे और इसके पत्ते में साइड में जो सेड रहता है वो रेड रेड रहता है, जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा ये देखिए हल्का सा रेड रहता है। और येलो कलर के फ्लावर के प्लांट में ऐसा नहीं रहता है, उसमें सिंपल पूरा ग्रीन रहता है और इसमें साइड साइड में पूरा रेड रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी येलो कलर के फ्लावर का प्लांट है और इसमें इसे एकदम लाइट कलर से वाइट का शेड रहता है या फिर ऐसे कुछ नहीं दिखेगा आपको, ये देखिए। और इसमें ये देखिए, यहाँ से नया पत्ता इस तरीके से निकलता है, इसमें नए पत्ते जब भी आते हैं इस तरीके से निकलते हैं। और यह प्लांट अपने आप को मल्टीपल करता रहता है, एक प्लांट हम लाकर लगाते हैं तो उससे हमारे पास कई प्लांट्स रेडी हो जाते हैं। ये प्लांट मैं लाई थी तब इतना सा था और अभी इसमें 2 नए पत्ते आ गए और 3रा नया पत्ता निकल रहा है। और यह प्लांट भी मैं लाई थी तब बहुत छोटा था, जैसे आपको मैंने आगे वीडियो में बताया। और देखिए फ्रेंड्स, इसके यहाँ पत्ते आपको ये फटे हुए दिख रहे हैं, तो ये बारिश की वजह से इसके पत्ते फट गए, बारिश का पानी इस पर गिरा तो उसकी वजह से पत्ते इसे फट गए। और इसके पत्ते भी बहुत सुंदर देखते हैं, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है इसके पत्ते, इस तरीके से लाइनिंग रहती है पत्तों में और बहुत सुंदर दिखते हैं दिखने में। तो आप इस प्लांट को लाकर जरूर लगाएं। और इसके जो फ्लावर रहते हैं हम उनको भगवान जी को चढ़ाने में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके फ्लावर आप शिव जी को, किसी भी गणेश जी को, किसी भी भगवान जी को चढ़ा सकते हैं, सारे भगवान जी को इसके फ्लावर चढ़ते हैं। तो यह प्लांट आप लाकर जरूर लगाइए फ्रेंड्स। इस प्लांट की लीव्स दिखने में बहुत सुंदर होती है और बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, ये देखिए फ्रेंड्स जो आपको दिख रही है इस तरीके से। और येलो कलर के फ्लावर के प्लांट में साइड में सेड नहीं होता है जो रेड कलर के फ्लावर के प्लांट में होता है, ये देखिए इसमें इस तरीके से रेड रेड सेड रहता है। और फ्रेंड्स, जब वे प्लांट की पत्तियां बड़ी होती हैं तो उनका कलर भी चेंज होता जाता है, जैसे जैसे पत्तियां बड़ी होती जाती है उनका कलर डार्क होता जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रोपोगेशन की। तो इसको हम 2 तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं, एक इसको बेबी प्लांट के द्वारा प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस तरीके से बेबी प्लांट्स निकलते हैं और इधर साइड में भी इसी तरीके से बेबी प्लांट निकला है। इसकी ग्रोथ दोनों साइड होती है, एक तो ये इसकी ग्रोथ ऊपर भी होती जाती है और नीचे से भी होती है। ये इसने इसे ही एक प्लांट से हम अनेक प्लांट कर सकते हैं, इसमें नीचे से इसे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। ये अंडरग्राउंड राइजोम्स में होते हैं, जिस तरीके से हम अरबी को प्रोपोगेट करते हैं, अदरक को प्रोपोगेट करते हैं जिसमें उसमें आइस निकलती है और वहाँ से नया प्लांट निकल रहा है, ठीक उसी तरीके से इसमें भी नए नए बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। और दूसरा, हम इसको सीड्स के द्वारा प्रोपोगेट कर सकते हैं, जब इसमें फ्लावर खिलता है और फ्लावर सूखने के बाद इसमें सीड्स बनते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और ये सीड्स जब सूख जाते हैं
अभी तो ये ग्रीन कलर के हैं, जब ये अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं और सूखने के बाद थोड़ा ब्राउन कलर के हो जाते हैं और वो फटने लगते हैं, तब हम उनको कलेक्ट कर रख सकते हैं और उसके द्वारा भी हम इसको प्रपोगेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको दो तरीके से प्रपोगेट कर सकते हैं। अगर हम एक प्लांट लाकर लगाते हैं तो हमारे पास कई सारे प्लांट्स हो जाते हैं, मल्टीपल होते रहता है ये प्लांट, और इसमें सीड्स भी बनते हैं तो हम उनको भी इकट्ठा करके उसको उसके द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्लांट को हम दोनों तरीके से प्रपोगेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैंने यह प्लांट एक प्लांट लाकर लगाया था और अभी दिखाती हूँ कितने प्लांट बन गए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने सारे मल्टीपल होकर कितने सारे प्लांट्स बन गए। तो हम एक प्लांट लाकर लगाते हैं तो इससे इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल होते रहते हैं, नए नए बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको 12 इंच के गमले में लगाया है, देखिए, और उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और इस तरीके से जब पत्ते सूख जाते हैं हम उनको हटा देंगे, ये ज़्यादा धूप की वजह से इस तरीके से पत्ते सूखने लगते हैं तो हम उनको हटा दिया करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नए नए पत्ते निकलते हैं तो इस तरीके से लाइट कलर में रहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी नया पत्ता निकला है, अभी निकल रहा है। इस तरीके से इसमें नए नए पत्ते निकलते रहते हैं और ये पत्ते भी बहुत सुंदर दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसको हम कहाँ पर प्लेस करेंगे। तो यह फुल सन लविंग प्लांट, तो आप इसको फुल सन में रखिए, सुबह से लेकर शाम तक की धूप में भी अगर यह रहेगा तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि यह प्लांट एक फ्लावरिंग प्लांट है और हमारे सारे फ्लावरिंग प्लांट को हमें फुल सनलाइट में रखना है। जब हम फुल सनलाइट में रखते हैं तो उसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है और बहुत जल्दी जल्दी फ्लावर आते हैं उसमें, तो इसलिए इस प्लांट को भी फुल सनलाइट में हमें रखना है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सॉइल की, तो हमें वेलरेन सॉइल ही बनानी, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, पर इस प्लांट को थोड़ी नमी वाली मिट्टी पसंद है, तो इसके लिए हमें 60% मिट्टी लेना है, 20% रेत और 20% आप कंपोस्ट ऐड कर सकते हो। उसमें आप नीम खली भी ऐड कर सकते हो, गोबर खाद, ये सब ऐड कर सकते हो। इस तरीके से हम इसकी सॉइल बना लेंगे और उसमें हम इस प्लांट को लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और पानी की बात करें तो इस प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आप दिन में रोज़ एक बार इसको पानी डालिए, गर्मी के टाइम में तो आप दिन में 2 से 3 बार भी इस प्लांट में पानी डाल देंगे तब भी इसमें चलेगा। और अभी बारिश के टाइम में भी अगर बारिश नहीं होती है तो फिर भी आप इसमें एक बार दिन में पानी डाल दीजिए, क्योंकि इसकी मिट्टी हमेशा नमी वाली होनी चाहिए, हमेशा नमी बनी होना चाहिए इसकी मिट्टी में, और उसमें पानी नहीं ठहरना चाहिए, ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। पानी जब इसमें ठहरेगा तो इसकी रूट्स गल जाएगी और हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। प्लांट को आप रोज़ पानी दीजिए और मिट्टी में हमेशा नमी बना के रखिए। और फ्रेंड्स, इसमें ड्रेनेज होल का भी ध्यान रखिए, एक गमले में 3 से 4 ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास ये गमला 6 इंच का है और उसमें भी यह प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, इतने छोटे से गमले में इतना बड़ा प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है। और फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा होगा इस प्लांट को, जैसे हेडपम्प के पास ये प्लांट उगाता है, नदियों के पास, क्योंकि वहाँ पर पानी वाली जगह रहती है और मिट्टी में नमी रहती है तो वहाँ पर यह प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो इस तरीके से इस प्लांट को वैसे ही मिट्टी चाहिए, उसमें बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करें फर्टिलाइज़र की, तो इस प्लांट को फर्टिलाइज़र अगर आप महीने में एक बार इसमें काउडंग कंपोस्ट डाल देंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है और बहुत अच्छे से प्लांट हमारा ग्रो करता है। और आप इसमें बनाना पील का यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारे फ्लावरिंग प्लांट में हम बनाना पील का यूज़ करते हैं तो उससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। यहाँ पर मैंने महीने में एक बार काउडंग कंपोस्ट डाला था इसमें और हफ्ते में एक बार मैं बनाना पील डाल देती थी और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है और वो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसमें बनाना पील का और काउडंग कंपोस्ट का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से प्लांट हेल्दी भी रहेगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मनी प्लांट लगाया और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये देखिए, और इसमें नई नई रूट्स भी निकल रही है। देखिए यहाँ पर हर पत्ते के वहाँ पर एक एक रूट्स रहती है, एरियल रूट्स। और आप मनी प्लांट को किस तरीके से हमें ग्रो करना है उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो आई बटन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको अभी आगे वीडियो में बताया कि हमें बनाना पील का यूज़ करना है, तो बनाना पील हमें किस तरीके से बनाना है आपको वो वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हो वीडियो। और फ्रेंड्स, इसके फ्लावर दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, 2 कलर के सेट में आते हैं जैसे मैंने आपको आगे वीडियो में बताया, पर अभी इसमें फ्लावर नहीं खिला है, जब भी इसका फ्लावर खिलेगा उसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एरोहेड का भी प्लांट है और इसकी पत्तियाँ दिखने में एरो जैसी दिखती है, इसलिए इसे एरोहेड कहते हैं। इसका वीडियो भी मैं आपके सामने बहुत जल्द लाऊंगी। और हम केली प्लांट को जब प्रपोगेट करते हैं तो उसमें बेबी पप निकलता है, तो हम उसको अलग पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर हम उसको अलग पॉट में लगा देंगे तो हमारा एक और नया प्लांट रेडी हो जाएगा, और फिर हम उसको अलग पॉट में लगाएंगे तो उसमें से भी नए नए बेबी प्लांट निकलते रहेंगे। इस तरीके से हम बहुत सारे प्लांट्स कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैंने इस प्लांट की सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।